तो दोस्तों ये रहा आम, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा से फला हुआ है। अच्छा हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हमारे बगान का मतलब कि जोता जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं किस तरफ, मतलब बारिश आ रहा, मतलब थोड़ा हल्का हल्का बारिश भी आ रहा है। तो मतलब बगान को जितवाएंगे उसके बाद में इसमें कुछ कुछ लगाना भी है। तो देखते हैं उस किनारे, मतलब वो लगाया गया है, क्या बोलते हैं, टमाटर का गाछी लगाया गया है। तो फिर से गर्मी के लिए फिर से टमाटर लगाना है। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मतलब कि नॉर्मल जो रहता है ना, हल रहता है, उसमें सीधा जोतते बस हैं, उसमें से मतलब क्या बोलते हैं, घास अच्छा से मतलब कि नहीं होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, रोटावेटर क्या बोलते हैं, तो इससे मतलब कि पूरा घास भी अच्छे से कट जा रहे हैं। तो खेती वेती करने के लिए भी बढ़िया है अगर इससे वो करते हैं। क्या चल रहे हैं क्या डर रहे हो, क्या डर रहे कैमरा, क्या डर रहे तुम लोग ना विंडो। तो दोस्तों इस बच्चे को आप लोग पहचानते होंगे, नहीं मतलब इसके साथ मैं कभी कभी वीडियो बनाते रहता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये रहा टमाटर का गाछी, मतलब इसी को इधर लगाना है। और ये हमारे गांव के चंटर पंटर लोग, गिरोगे भाई नीचे उतरो ना बे, चलो गिरोगे नीचे उतरो, गिरने से पहले नीचे उतर जाओ। है कहाँ बुडलू, कहाँ बुडलू, गिरोगे गिरोगे। और दोस्तों इधर ये रहा छोटा सा कुटिया टाइप का, इसको बनाए थे। अभी तो थोड़ा सा मतलब बरसात बरसात टाइप का भी लग रहा है, मतलब गर्मी ची है, बाकी बरसात बरसात टाइप का लग रहा है। पहले मतलब क्या बोले, पूरा गर्मी था ना अच्छा से। अरे कहना क्या चाहते हो। तो यहाँ पे बैल बकरी को भी छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पे मतलब बगान में कुछ कुछ लगाए थे, तो उसके देखभाल के लिए यहाँ पे दादाजी यहाँ पे आते थे। यहाँ खटिया भी लगा दिए थे, यहाँ खटिया लगा दिए थे, बांध दिए थे, और ऊपर से मतलब छाँव के लिए इसको लगा दिए थे। तो दादाजी यहाँ पे आते थे और मतलब कि यहाँ का देख रेख करते थे पूरा, मतलब बैल सब घुसता था ना, बकरी सब घुसता था, तो उसको सब देखना पड़ता था। तो दोस्तों मौसम ही ऐसी है, मतलब पूरा बादल छाया हुआ है और थोड़ा थोड़ा बारिश भी मतलब आ रहा है। तो बच्चे लोग इधर मस्ती करते हुए, तो दोस्तों यहाँ एक आम का पेड़ है, बाकी आप लोगों को बाहर से तो मतलब फला हुआ नहीं दिख रहा है। चलिए आप लोगों को मैं पास से दिखाता हूँ, मतलब अंदर अंदर से दिख रहा है ना फला हुआ, बाहर से तो दिख भी नहीं कर रहा फला हुआ। तो दोस्तों ये रहा आम, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा से फला हुआ है।
मतलब बाहर से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब नीच फला टाइप का दिखता है बाहर से, बाकी अंदर से फला हुआ है, मतलब इसके पत्तियों कर दिया है ना, छुपा दिया मतलब बाहर। अच्छा कैसे रे, क्या खा रही, क्या खाना है दिखा दो, क्या बोलते हैं इसको, भूंजल खाना। हाँ। कैसे बनाते हैं इसको, तू ही बनाई है ना। आए तो फाइनली दोस्तों अभी जो इतना ख़त्म हो गया है एक ही पूर में, मतलब हो गया एक ही बारिश को, ओके हैं पूरा तरह, तो इतना तो चलेगा यार, मतलब कभी हो गया अभी, मतलब निकाल रहे हैं गाड़ी को। जो टमाटर गाछी लगाए हैं ना उसको मतलब शाम को लगाना है आज ही, नहीं तो फिर अभी शादी का सीजन पहुंच रहा है, शादी भी है तो इधर उधर हो जाएंगे घर वाले भी, फिर मतलब समय निकल जाएगा। तो देखते हैं आज शाम को फिर से मतलब क्यारी बनाएंगे उसके लिए, क्योंकि क्यारी बनाते हैं ना तो पानी पटाते हैं तो उसके लिए आसान होता है, और ऐसे ही जगह जगह में लगा देंगे तो मतलब पानी पटाना थोड़ा दिक्कत देता है। तो दोस्तों मतलब बगान तो रेडी हो गया है, बाकी मतलब इसको गाछी को देख कैसे लग रहा है, थोड़ा सा वाला मतलब कि नहीं बढ़ा है, अगर और थोड़ा सा बढ़े रहने से अच्छा होता मतलब जगाने के लिए, तो देखते हैं बाकी क्यारी व्यारी तो बनाए रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं मतलब कितना मिनट मतलब जोते हैं इसको, तो उसके अनुसार मतलब क्या बोलेंगे, पैसा भी देना पड़ेगा ना। तो दोस्तों मतलब टोटल 22 मिनट मतलब इसको जोता गया है, 22 मिनट तो मतलब एक मिनट का 18 रुपये लेते हैं ना, तो 18 गुणित 22 करेंगे तो 396 आसपास हो रहा है, तो 396 वही 400 बोल दीजिए, तो 400 रुपये मतलब 22 मिनट। तो दोस्तों भी चलते हैं खाना वाना खाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय।